कई बार आप लोग देखते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स में बन जाते हैं, आपके वनडे एग्जाम की कह लीजिए, फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की कह लीजिए, या कोई भी आपका स्टेट पीसीएस है उसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक हाल ही में आपने देखा है कि ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसैनिक संस्करण का नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील विध्वंसक INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया है। आप कहेंगे कि अरब सागर कहाँ है, तो एक बार आप लोग अपनी मैप्स देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, एशिया में आपके प्यारा भारत। इसमें आप भारत की बात करें तो देखेंगे अरब सागर, ये है आपका अरब सागर, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप सागर है, बंगाली की खाड़ी है। ये आपका पड़ोसी है श्रीलंका, यहीं आपको मालदीव भी देखने को मिलेगा। ये आपका पाकिस्तान पड़ोसी है, अफगानिस्तान, चाइना, ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। ये है अरब सागर आपका। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो INS चेन्नई स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कोलकाता सैनी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS चेन्नई को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे जहाज जहाज को तट आधारित और नौसेना की सतह के लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता प्राप्त होती है। आप देखते हैं कि आपने अभी रफेल लिए हैं वायुयान आप लोगों ने, तो आप देख रहे हैं कि वायुसेना को आप लोगों ने सशक्त करने के लिए इस तरह के आप विमान खरीदते हैं, तो आप नौसेना को भी सशक्त करने की जरूरत है। आप देखते हैं मुंबई अटैक हुआ था, उस समय हमारी एक तरह से नौसेना उस समय बहुत कमजोर थी, यही कह सकते हैं। देखिए सेना के बारे में कभी ये मत आप सोचिए, और मुझे लगता है कि इस देश में कोई रह रहा है तो किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चंस पल रहा है कि हमारी सेना कमजोर है तो वो बेवकूफ है। हमारी सेना के अगर पराक्रम पर कोई क्वेश्चंस मार्क लगाता है तो मुझे लगता है कि वो अपने आप पर लगा रहा है। अगर सेना पर भरोसा ना होता, अगर सेना अपना धर्म ना निभाती, तो आज हम लोग आप चैन से नहीं सो पाते, ठीक है। कोई भी नेता हो, तो नेताओं इन पर दो कौड़ी के नेताओं पर भरोसा मत किया करिए इनकी बातों पर। ये अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपने बाप को भी नीलाम कर सकते हैं, हम आप दूर की बात है। आप देखिए मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी की अच्छाई भी नहीं बता रहा। मुझे बड़ा हंसी आ रही थी, अभी आपने बिहार के सीएम थे नीतीश कुमार, वो दिल्ली में प्रचार के लिए आए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, तो उनमें उन्होंने कहा कि वो कभी दिल्ली कभी बिहार आइए, वहां की स्कूलों की हालत देखिए, दिल्ली से बेहतर है। आप सभी जानते हैं और जग जाहिर है इस बात की कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो चुकी है। अभी रिजल्ट आया हुआ था, तो प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूलों ने। हॉस्पिटल देख सकते हैं दिल्ली सरकार के आप लोग, तभी तो आप कह सकते हैं कि आप सोचिए पूरा एक पक्ष लगा रहा लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए, अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाए, हर तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश की, हर वो हथकंडे अपनाए नेता जो पॉली यानी कि राजनीति में होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उखड़ा, तो काम के नाम पर वोट पड़ा है। और मैंने अपनी जिंदगी में तो पहली बार मैं उसकी एक तरह से वो नहीं कर रहा हूं, पक्ष नहीं ले रहा हूं सीधी बात, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा इंसान देखा है जो खुलकर कह रहा था कि मैंने काम किया तभी मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। मुझे नहीं आपकी अंतरात्मा क्या सोचती है, मैं जानता हूं कई लोग कहते हैं कि वो सर फ्री का खाना पसंद है, तो मैं देखिए फ्री का खाना फ्री का मिल रहा है दिल्ली की जनता को, इसलिए चुना है दिल्ली जनता ने उसे, तो मैंने उन लोगों को भी देखा है जियो की सिम लेते हुए या फिर फ्री का राशन लेते हुए, जो एक तरह से ये कहते हुए हैं कहते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर झांक लिया करिएगा, और वो मुझे लगता है कि पता है जो लड़के या कोई लोग कह जो भी व्यक्ति कहता है इस तरह की बातें, उनके बाप यानी कि उनके पिताजी जाके राशन कार्ड फ्री का ले रहे होते हैं, फ्री की स्वास्थ्य व्यवस्था ले रहे होते हैं, उनके खुद बाप जाके दिल्ली में इलाज करवा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप अंदर झांक लेना चाहिए। आप किसी पर कमेंट कर रहे हैं तो कम से कम आपकी अंतरात्मा या आपका जमीर तो आपके साथ है या नहीं है। अभी आपने देखा लॉकडाउन में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली,
कई मजदूर आपने देखे ट्रेन के नीचे आने के कारण मौत भी हुई है उनकी। तब भी मैंने देखा कई सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे थे ये इनके आया ही काम है, ये मरने के लिए पैदा होते हैं, कई तरह के उन्होंने भद्दे कमेंट लिखे। तो अपने अपने बाप को कभी आप किसानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कोई भी आपके, आप सोचिए किसान हमारे मतलब किसान और युवाओं की जिंदगी अगर जिस देश में खराब है तो आप समझ जाइए कि देश का बेड़ा गरक है एक तरह से, ठीक है। और कभी अपने कोई अगर किसान सुसाइड कर रहा है तो कभी उसकी जगह अपने परिवार के मेंबर को रख के देखिए, या कोई भी मर रहा है तो उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए, पता चल जाएगा कि असली जिंदगी क्या होती है और आपकी सोच भी बदल जाएगी। खैर छोड़िए उसे, कहा टॉपिक से भटक रहा हूँ हम लोग, ठीक है, लेकिन ऐसी भी बातें होती रहना चाहिए। आपका पेपर 4 है ना, तो उसमें यही तो सब बातें हैं आपकी। याद रहे कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नया संस्करण और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सहित कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से तैयार किया गया है, और भारत रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है ब्रह्मोस किन किन के देशों के बीच समझौता कौन कौन तैयार कर रहा है, तो भारत और रूस। अब आप कहेंगे रूस को भी दिखा दीजिए, और रूस की भी आपको यात्रा करनी है, तो चलते हैं हम लोग रूस की यात्रा कर लेते हैं। वो आप सभी जानते हैं कि रूस एक समय हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था। 1971 की समय की स्थिति आप लोग याद करिए, उस समय आप लोग होंगे तो नहीं लेकिन याद जरूर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, यह है रूस आपका, ठीक है। उस समय रूस ने हमारा ही साथ दिया था। अमेरिका जो आज हमारी तरफ झुकाव महसूस हो रहा है उसका, इसका झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ हुआ करता था। एक तरह से आप सोचिए कि अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह है। आज आप देखते हैं मतलब है आपके किसी दोस्त का तो आपके पीछे पीछे फिरेगा, तो उसी तरह है। आप जानते हैं कि चाइना को अगर प्रतिस्थापित करना है तो भारत की मदद चाहिए, इसलिए अमेरिका हमारे साथ लगा हुआ है। और कल हमारे मतलब हटेगा, एक वो आप सुनते रहते हैं ना कि ये बड़ी मतलबी है, मतलब निकलेगा छोड़ देगी दुनिया, तो उसी तरह। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। यह एक क्रूज मिसाइल है, किंतु जब इसकी गति 8.2.8 यानी कि 2.8 मैक होती है, अर्थात इसकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक होती है, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाती है। इसका लक्ष्य भेदन क्षमता अचूक है, इसलिए इसे दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहा जाता है। किसे? ब्रह्मोस को। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, इसे पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट हवा और जमीन से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, इसके बारे में यही पॉइंट है आपको, इन्हें याद रखिए। आप लोग कई बार क्वेश्चंस पूछता है डायरेक्ट, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।